योगा को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार आगे क्या प्रयास कर रही है? देखिए, मैंने आज ये घोषणा भी की है कि आने वाले 60 दिनों के अंदर 100 स्थानों को और चिन्हित करके व्यायामशालाएं वहां पर खोली जाएंगी। उसकी सारी योजना बनी है। जो हमारे योग शिक्षक हैं उनके लिए भी मैंने आज यहां पर यह घोषणा की है, क्योंकि वो सुबह से घर से निकलते थे और रात के समय 13 घंटे लगातार वो काम करते थे। अब हमारे जो शिक्षक हैं वो सुबह जाएंगे और सुबह के बाद वो डिस्पेंसरी में जाएंगे, 4 बजे तक वहां पर रहेंगे। उनको एक, क्योंकि समय सीमा वो उसके अंदर तय की है, और एक हमारे जो योग शिक्षक हैं उन सबको हम जो हमारा खान पान का तरीका है कैसा होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे करके लोगों को इसके लिए अवेयर करें, जागरूक करें, ताकि खान पान में भी हमारे दिनचर्या में हमारे स्वस्थ शरीर में उसका बड़ा महत्व है। हमने क्या खाना है, क्या पीना है, उसके लिए भी वो डाइटिशियन के तौर पर ट्रेनिंग लेकर के उनको लोगों को बताने का काम करेंगे। ऐसा भी हमने जो योग शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि डिस्पेंसरीज के अंदर जाकर के वो लोगों को इसके लिए अवेयर कर सके, उनको बता सके हमने ये निर्णय किया है। मैं आज इसी 10वें योग दिवस की, जो आज पूरी दुनिया योगमय हो रहा है, मैं इसकी सभी को, पूरी दुनियावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो है व्यायामशालाएं हमारी आएंगी लगभग 800 850 के करीब में हमने योग शिक्षक लगा रखे हैं, और व्यायामशालाएं लगातार हमारी सरकार का ये निर्णय है कि योग हर गांव तक पहुंचे, हर वार्ड तक पहुंचे, उसको लेकर के जो व्यायामशालाएं जहां जहां भी खुलेंगी उनमें योग शिक्षकों का तो योगदान रहता ही है। लोगों को योग कराने का और योग के साथ जोड़ने का वो काम करते हैं, उसके लिए आगे उसके अंदर काम करेंगे। मैंने कहा है ना, जो योग व्यायामशालाएं खुल रही है तो योग शिक्षक आएगा, योग शिक्षक उसके अंदर आएगा जहाँ योग व्यायामशालाएं खुलेगी।